يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدر محترم स्टेज के ऊपर मौजूद उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, एक साल बाद जब हम और आप ये उम्मीद कर रहे थे कि पिछले साल की तरह जब हमने तरावी की नमाज घरों में पढ़ी थी, मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए थे, ईद उल फित्र की नमाज भी हमें घरों में पढ़नी पड़ी, हमने ये उम्मीद की थी कि अब हालात नॉर्मल हो रहे हैं, अब माहौल सही हो रहा है, इंशाअल्लाह रमज़ान की बरकतें और उसकी रौनक फिर से लौटेगी। मगर आप अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत देखिए कि जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहा है, कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं और इस बार ये वायरस पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हमला कर रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता हो कि ये कोरोना एक साजिश है और एक हवा खड़ा कर दिया गया है, मगर ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये बीमारी है, ये अलग बात है कि गवर्नमेंट जो रिपोर्ट्स बता रही है कि इतने केसेस आ रहे हैं और इतने लोग मर रहे हैं, उसमें कुछ कमी बेशी हो, मगर बीमारी तो है और बीमारी इतनी खतरनाक है कि आदमी को सांस लेने में तकलीफ होती है, हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसके घर वाले उसको रेडी करते हैं, हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं, इससे पहले कि वो हॉस्पिटल जाए वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। एक हफ्ता पहले मेरे पास एक फोन आया, हमारे यूपी के अंदर एक जगह है गोंडा, गोंडा के वो रहने वाले एक साहब हैं, वो काम करते हैं बेंगलोर में किसी होटल में काम करते हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, मौलाना आज सुबह फजर की नमाज के बाद मेरी वाइफ का, मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया। हमल से थी वो, डिलीवरी का टाइम करीब था, अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई, घर वाले जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाने लगे, इसके पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंचती उसका इंतकाल हो गया। वो आदमी मुझे बता रहा था, रो रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे, और मेरे दिल से ये आवाज निकली कि अल्लाह ये खतरनाक वायरस क्यों है हमारे और आपके ऊपर और ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। इस सवाल का जवाब जब हम कुरान करीम में तलाश करते हैं कि ये वायरस, ये अजाब, ये बीमारी, ये मुसीबत
जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि लोग मर रहे हैं बल्कि उसकी वजह से हुकूमतें जब लॉकडाउन लगाती हैं तो लाखों की तादाद में गरीब बेचारे भूख से मरते हैं, तड़पते हैं। अय अल्लाह ये अजाब क्यों है? तो अल्लाह तबारक व तआला इस सवाल का जवाब कुरान करीम में सूरह रूम के अंदर हमें और आपको देता है। ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا। मेरे बंदो, ये जो तुम्हारे ऊपर तकलीफें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, जमीन के अंदर भी आ रही हैं, समंदर के अंदर भी आ रही हैं, खुश्की के अंदर भी आ रही हैं, तरी के अंदर भी आ रही हैं, ये परेशानियां, ये मुसीबतें, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं? बीमा कसबत ऐदी नास, ये तुम्हारे करतूतों का नतीजा है, ये तुम्हारे पापों का नतीजा है, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। मेरे प्यारे भाइयों, इतना खतरनाक वायरस आया, लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि हमारी हरकतों में कौन सी कमी आई, हमने कौन सा गुनाह करना छोड़ दिया, कौन सी बुराई हमारे समाज से खत्म हो गई? क्या शराबी कम हो गए, क्या जानी कम हो गए, क्या बदकार कम हो गए, क्या मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ गई, क्या कुरान की तिलावत करने वालों की तादाद में इजाफा हो गया? नहीं नहीं, एक साल पहले जहां हम खड़े थे वहीं आज भी खड़े हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा बुरे हालात से दो चार हैं। इतनी बड़ी तबाही शायद पूरी इंसानी तारीख में कभी ना देखी गई हो कि मस्जिदें बंद हो गईं, अल्लाह का घर खाने काबा बंद हो गया, और पहली बार शायद ऐसा हुआ हो कि अल्लाह का वो घर जहां 24 घंटे तवाफ होता है वहां तवाफ करने पर पाबंदी लगा दी गई। इतने मुश्किल हालात में देखने के बावजूद भी मेरे भाइयों, हम और आप सुधरे नहीं, हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई। अल्लाह फरमाता है लियुज़ीकहुम बादल्लज़ी अमिलू, मेरे बंदो, हम तुम्हारे ऊपर ये अजाब इसलिए नाजिल करते हैं ताकि तुम्हारे करतूतों का, कुछ करतूतों का तुम्हें बदला दे दें, कुछ करतूतों की सजा दे दें, कुछ करतूतों का मजा चखा दें। सारे करतूतों की सजा हम नहीं देंगे, अगर सारे करतूतों की सजा हम दे देंगे तो मेरे बंदो, रूए जमीन पर एक इंसान भी सांस लेने वाला ना बचेगा, एक इंसान भी दुनिया में बाकी ना बचेगा। हम तो तुम्हारे कुछ गुनाहों की सजा तुमको देते हैं, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। आज करोड़ों का पैसा खर्च करके हमारी गवर्नमेंट वैक्सीन तैयार करवा रही है, वैक्सीन लगाई जा रही है, बड़े बड़े फिल्म स्टारों ने भी वैक्सीन लगवाई, बड़े बड़े नेताओं ने भी वैक्सीन लगवाई, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बावजूद आज कोरोना वायरस पाया जा रहा है, पॉजिटिव हो रहे हैं, वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग मर रहे हैं। आपके बिहार के मौलाना वली रहमानी का इंतकाल हुआ, आज रिपोर्ट्स ये बता रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद ही उनकी तबीयत खराब हुई। वैक्सीन लगाने से भी आदमी ठीक नहीं हो रहा है, नहीं ठीक होगा मेरे भाई जब तक हम ठीक नहीं होंगे। अल्लाह ने फरमाया लअल्लहुम यरजिऊन, मेरे बंदे आगे रमजान का महीना आ रहा है, हमारे घर में जब कोई बड़ा मेहमान आता है हम मेहमान का स्वागत करते हैं, मेहमान के लिए अपने कमरे को सजाते हैं, बेहतरीन किस्म का दस्तरखान लगाते हैं, जिस प्लेट में हम खाना खाते हैं उससे अच्छी प्लेट, उससे अच्छा डिनर सेट हम निकालते हैं कि भाई बड़ा मेहमान आ रहा है, मुअज्जज़ मेहमान आ रहा है, दूर से आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, रमजान का महीना भी एक मेहमान के तौर पे आ रहा है, ये मेहमान अल्लाह ताला ने बना करके हमारे बीच में भेजा है, ये एक महीने का मेहमान बन के आएगा, ये 30 दिन का या 29 दिन का मेहमान बन के आएगा, ये अल्लाह की रहमतें हम पर लुटाएगा। जब रमजान का महीना आता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमजान, जब रमजान की पहली रात आती है, जब रमजान की चांद रात होती है, जब रमजान का चांद तुम्हें आसमान पे नजर आता है, सुफ्तिदतिश शयातीन, तो सारे के सारे शैतानों को अल्लाह ताला कैद कर देता है। वह गुल्लिकत अबवाबुन नार, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वह फुद्दिहत अबवाबुल जन्ना, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
हैं। वह युनादी मुनादिन, और आसमान में एक पुकारने वाला आकर के पुकारता है, या बागियल खैरी अकबिल, ऐ नेकी करने वाले, ऐ नेकी का काम तलाश करने वाले, ऐ नमाज की पाबंदी करने वाले, ऐ कुरान पढ़ने वाले, ऐ सच बोलने वाले, ऐ अल्लाह को राजी करने वाले, आ जा, तेरा महीना आ गया, रमजान का महीना आ गया, बरकतों का महीना आ गया, नेकियों का मौसम आ गया। वया बादी शर अक्सर, और पुकारने वाला पुकारता है, ऐ शराब पीने वाले, ऐ जिना करने वाले, ऐ चोरी करने वाले, ऐ झूठ बोलने वाले, ऐ सूद और ब्याज खाने वाले, खबरदार तू पीछे हट जा, ये तेरा महीना नहीं है, ये तो अल्लाह को राज़ी करने वालों का महीना है, ये तो अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का महीना है, ये तो अल्लाह के सामने रोने का महीना है। रमज़ान आ रहा है मेरे भाई, मेहमान आ रहा है अल्लाह का, इस मेहमान का स्वागत करो, इस मेहमान का वेलकम करो, किस चीज़ से, खिला करके पिला करके नहीं, रमज़ान का इस्तकबाल करो अल्लाह से सच्ची तौबा करके, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग करके, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके। मैं जब आपके पास आ रहा था रास्ते में, मुझे लोगों ने बताया, मौलाना आप इस टॉपिक पर बोलिएगा, इस टॉपिक पर बोलिएगा, अब यहाँ आया तो नाज़िम इजलास साहब ने कुछ और टॉपिक दे दिया है, मैं कोशिश करूँगा कि उन सारी बातों को आपके सामने समेटने की कोशिश करूँ। कुरान करीम आप उठाइए मेरे भाई, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली कौमों के वाकयात क्यों बयान किए हैं, नूह अलैहिस्सलाम का वाकया, लूत अलैहिस्सलाम का वाकया, हजरत हूद की कौम का वाकया, हजरत सालेह की कौम का वाकया, हजरत शुएब की कौम का वाकया, मूसा और फिरौन का वाकया, कारून का वाकया क्यों बयान किया अल्लाह ने? भाई कुरान कोई किस्सा कहानी की किताब तो नहीं है, कुरान अगर कोई वाकया बयान कर रहा है तो उसके पीछे भी एक मकसद है। अल्लाह ताला उन कौमों का वाकया बयान करके हमें और आपको मैसेज दे रहा है कि तुम इनके जैसे मत हो जाना, तुम्हारे अंदर वो खराबियां ना पैदा हो जाएं जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर थी, जो कौम आद के अंदर थी, जो कौम समूद के अंदर थी, जो कौम सालेह के अंदर थी, जो फिरौन के अंदर थी, जो कारून के अंदर थी, तुम अपने आप को इन बुराइयों से पाक कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला उन वाकयात को बयान करके हमें और आपको खबरदार करता है। चुनांचे कुरान करीम उठाइए, अल्लाह के सबसे पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया उठाइए। नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में भेजे गए रसूल बना करके। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह ताला के दीन की दावत देते रहे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुशरिक थी, शिर्क करती थी, पत्थर के बुत बना करके उनकी पूजा करती थी, इबादत करती थी। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए, अपनी कौम को तौहीद समझाई, अपनी कौम को शिर्क से मना किया, अपनी कौम को बताया तुम जो काम कर रहे हो गलत काम कर रहे हो। 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, तबलीग करते रहे, दावत देते रहे। 950 साल कोई छोटी मुद्दत नहीं होती मेरे भाई, 950 साल तक अल्लाह का पैगंबर लोगों को तौहीद की दावत देता रहा। लेकिन कुरान कहता है फमा आमना माहू इल्ला कलील, नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर बस मुट्ठी भर लोग ईमान लाए, थोड़े से लोग ईमान लाए। पता ये चला, बात अगर कहने वाला सही बात कह रहा है तो सुनने वाले और उसकी बात मानने वाले अगर कम भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सही होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे भाई ये अहले हदीस अगर हक पर है तो ये आटे में नमक के बराबर क्यों है? याद रखो, किसी की तादाद का कम होना ये उसके गलत होने की दलील नहीं, और किसी की तादाद का ज्यादा होना ये उसके सही होने की दलील नहीं। नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर मुट्ठी भर लोग ईमान लाए। नूह अलैहिस्सलाम हर तरीके से उनको समझा रहे हैं, प्यार से भी समझा रहे हैं, डरा भी रहे हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम सुधर जाओ वरना अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। मगर नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग नहीं मान रहे हैं।
आखिर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम अब अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दियारा। ऐ अल्लाह, मैं 950 साल तक इनको तबलीग करता रहा, एक आदमी भी मेरे ऊपर ईमान नहीं लाया। ऐ अल्लाह, तो इनको हलाक कर दे, इनको मिटा दे। ऐ अल्लाह, रूए ज़मीन पर एक भी काफिर को तू न छोड़ना। ऐ अल्लाह, एक भी मुशरिक को तू न छोड़ना, तो इन सबको हलाक कर दे, ख़त्म कर दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बद्दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, एक काम करो, तुम एक कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार करने लगे। अब गांव के लोग, मोहल्ले के लोग आ रहे, देख रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं। कौम के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, भाई देखो इनको क्या हो गया है, ये कश्ती बना रहे हैं, दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा है, न कोई नदी है, ना कोई दरिया है, ये कश्ती क्यों बना रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम चुपचाप से अपना काम कर रहे हैं। जब कश्ती बनकर के तैयार हो गई, अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ नूह, आपके ऊपर जो लोग ईमान लाए हैं उन सारे लोगों को कश्ती में सवार कर लीजिए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ईमान लाने वाले सारे लोगों को कश्ती के ऊपर सवार कर लिया। नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों में उनके 3 बेटे भी थे जिनका नाम साम, हाम और याफिस था। वो 3 बेटे भी नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती पर सवार हो गए। सारे लोग जब कश्ती पर सवार हो गए, अभी जमीन में पानी नहीं है, अल्लाह के हुक्म से कश्ती चलने लगी। उधर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और बहुत बड़ा सैलाब आया, और नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जितने लोग उस वक्त जमीन पर मौजूद थे, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर छोड़ करके बाकी जितने लोग भी दुनिया में मौजूद थे, वो सारे के सारे लोग उस तूफान के अंदर हलाक हो गए। जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर अपने ईमान वाले साथियों को सवार करने लगे, तो उनका एक बेटा जिसका नाम कनान था, वो कश्ती पर सवार नहीं हो रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की चिंता हुई, बड़े प्यार से कहा, या बुनैयर कम माना, ऐ मेरे बच्चे तू भी आ जा, तू भी मेरी कश्ती में सवार हो जा। ऐ मेरे बच्चे, इस कश्ती में आ जा, वरना तू हलाक हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तू डूब जाएगा, तू खत्म हो जाएगा, तू जल्दी से कश्ती में आ जा। बेटा जवाब देता है, सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। ऐ अब्बा जान, आप मेरी चिंता न करें, आप मेरी फिक्र न करें, मुझे आपके साथ कश्ती पे नहीं आना है। अगर तूफान आ भी गया, अगर पानी की मौजें आ गईं, तो ऐ अब्बा जान, मैं किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा और कोई पानी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं डूब नहीं पाऊंगा, मैं मर नहीं पाऊंगा। एक सबक ये मिला कि उस मुश्किल घड़ी में भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपना बेटा याद था। हालांकि वो बेटा नाफरमान था, बाप के ऊपर ईमान नहीं लाया था, मगर नूह अलैहिस्सलाम को अपना बेटा याद था। मेरे प्यारे भाइयों, हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, हम कभी अपने बच्चों को नमाज के लिए नहीं बोलते। मेरी प्यारी माओ, आप मसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ दी हैं, आपकी जवान बेटी मोबाइल पर चैटिंग कर रही है, आपको इस बात की फिक्र नहीं होती कि मैं अपनी बच्ची को नमाज के लिए बोल दूं। हाँ, अगर आपका बेटा या बेटी आग में जलने लगे, दुनिया की किसी तकलीफ में पड़ जाए, आप अपने बच्चा या बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देंगे, लेकिन आपका बेटा और आपकी बेटी जहन्नम की आग की तरफ जा रहे हैं और आप अपने बच्चों को, अपने बेटा और बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप कुरान उठाइए, अल्लाह ने अपने पैगंबरों का जब जिक्र किया तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे पैगंबरों को अपने साथ साथ अपनी औलाद की भी फिक्र हुआ करती थी, अपने परिवार की भी फिक्र हुआ करती थी, वो अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करते थे, मरते दम तक अपनी औलाद के अकीदे की फिक्र करो, उनके ईमान की फिक्र करो, जन्नत की फिक्र करो, वो जहन्नम से कैसे बच जाए इसकी फिक्र करो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, आखिरी टाइम है, इंतकाल होने वाला है, मौत का टाइम है।
याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, 12 बेटों को हजरत याकूब ने बुलाया। आज भी बाप अपने बेटों को बुलाता है, लेकिन बाप बुला करके अपनी प्रॉपर्टी के बारे में वसीयत करता है, अपने मकान और जायदाद के बारे में वसीयत करता है, अपने माल और दौलत के बारे में बता के जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को बुला करके क्या बता रहे हैं? कुरान कहता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को आखिरी टाइम में बुला करके सवाल करते हैं, ऐ मेरे बच्चों, ये बताओ कि मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तुम अल्लाह ताला की इबादत करोगे या शिर्क करोगे? तुम तौहीद पर रहोगे या शिर्क पर रहोगे? बताओ तुम किसकी इबादत करोगे? सारे बच्चों ने कहा कि अब्बा जान, हम अल्लाह की इबादत करेंगे। अब्बा जान, हम आपके रब की इबादत करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। आप चिंता ना करें, आप फिक्र ना करें, हम तौहीद पर कायम रहेंगे और मरते दम तक तौहीद पर रहेंगे। औलाद की आखिरी सांस तक औलाद के अकीदे और ईमान की फिक्र होनी चाहिए मेरे भाइयों। यही नबियों ने हमें सिखाया है, यही पैगंबरों ने हमें सिखाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से कह रहे हैं, या बुनय्या इरकब माना है, बच्चे तू मेरी कश्ती में आ जा। बच्चा कहता है, अब्बा जान, मैं आपकी कश्ती पे नहीं आऊंगा, मैं किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मुझे अजाब नहीं पकड़ सकेगा, मुझे तूफान नहीं पकड़ सकेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दर्द के साथ कहते हैं, ला आसिम अल्यौम मिन अम्रिल्लाह, ऐ मेरे बेटे, ये अल्लाह का अजाब आने वाला है और अल्लाह के अजाब से तुझे दुनिया का कोई पहाड़ नहीं बचा पाएगा। कुरान कहता है कि अभी दोनों बाप बेटे की बातें चल ही रही थी, अभी बाप बेटे की बातचीत पूरी नहीं हुई थी, वहाल बैनहुमल मौजु फकाना मिनल मुग्रकीन, अचानक समंदर की, पानी की, तूफान की एक लहर आती है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को लेकर के चली जाती है। उनका बेटा उनकी आंखों के सामने डूब जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। बेटा मर गया, इसकी तकलीफ है, बेटा मर गया, और उससे बढ़ के इस बात की तकलीफ है कि बेटा मेरे ऊपर ईमान नहीं लाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, तू मेरे बच्चों को बचाएगा, मेरा बेटा तो मेरी आंखों के सामने डूब गया। ऐ अल्लाह, तेरा वादा तो झूठा नहीं होता है, तेरा वादा तो सच्चा होता है। ऐ अल्लाह, मेरा बेटा क्यों डूब गया? मेरे बेटे ने कौन सा ऐसा जुर्म किया था मेरा बेटा डूब गया? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह, वो तेरा बेटा तो था मगर वो तेरे परिवार में से नहीं था, वो तेरे अहलोयाल में से नहीं था, क्योंकि उसका अमल गड़बड़ था, उसका उसके पास ईमान नहीं था। ईमान अगर है तो सगा बेटा भी, अगर ईमान नहीं है तो सगा बेटा भी अपना बेटा नहीं है, और ईमान है तो पराया भी अपना है। मेरे भाई, ईमान का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। अल्लाह ने कहा कि तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं है ऐ नूह, क्योंकि वो गड़बड़ है, उसका अमल गड़बड़ था, उसका ईमान गड़बड़ था। नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम डूब गई, तबाह हो गई। और आगे बढ़िए, कुरान एक नबी का वाकया बयान करता है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग बहुत बड़े बदकार थे और उनकी कौम ने दुनिया के अंदर सबसे पहले ये पाप किया था कि मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक कायम होता था, वो औरतों के साथ अपनी ज़रूरत नहीं पूरी करते थे, मर्द मर्द के साथ अपनी ज़रूरत पूरी किया करता था। पूरी इंसानी तारीख में, पूरे मानव इतिहास में इस गुनाह को इंसानों ने कभी नहीं किया था, इसकी शुरुआत की थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने। और एक बात बताऊं, ये जुर्म इतना घिनौना है कि जानवर भी नहीं करता है, जानवरों में भी ये जुर्म नहीं पाया जाता है। ये इंसान इस कदर गिरा हुआ है कि ऐसी हरकत करता है कि जानवर भी उस हरकत से शर्माता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम
ये गुनाह के का काम करती थी और खुल्लम खुल्ला करती थी, रास्तों में करती थी। लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए और अपनी कौम को समझाया, वलूतन इज काल लिकौमिही अतातून अलफाहिशता मा सबककुम बिहा अहदुम मिनल आलमीन। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम इतना गंदा काम क्यों करते हो जो तुमसे पहले पूरी कायनात में किसी ने नहीं किया है? तुम इतना गंदा काम, इतना घिनौना काम क्यों करते हो? लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने आपस में कहा, इनको निकाल दो, ये बड़े पाक साफ लोग हैं, ये लूत अलैहिस्सलाम बड़े पाक साफ लोग हैं, इनको इस बस्ती से निकाल दो, ये हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्तों को लूत अलैहिस्सलाम के घर पे भेजा, जो खूबसूरत मर्दों की शक्ल में, इंसानों की शक्ल में फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पे पहुंचे। जब वो फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर और लूत अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने ऐसा जाहिर किया कि वो मेहमान बन के आए, उधर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों को पता चला कि लूत अलैहिस्सलाम के घर में कुछ खूबसूरत लड़के आए हैं, कुछ खूबसूरत नौजवान आए हैं। कौम के लोग जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आए, चूंकि दिमाग के अंदर तो शैतान भरा था, खूबसूरत लड़कों को देखकर उनके जहन में शैतानी ख्याल आने लगा, गुनाह का ख्याल आने लगा, गलत चीज़ों का ख्याल आने लगा। जैसे ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर वो मेहमान पहुंचे, पीछे से कौम के लोग पहुंचे, हजरत लूत समझ गए, कहने लगे, या कौम ला तुखज़ूनी फी ज़ईफी, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मेरे मेहमान हैं, मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा न करो, मेरे मेहमानों के साथ कोई बदतमीजी न करो, मेरे मेहमानों के साथ कोई गलत सलूक न करो, मुझे रुसवा न करो, मुझे जलील न करो। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने कहा, हटो, पीछे हटो, हमें हमारा काम करने दो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर बड़े दर्द के साथ कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे लिए औरतों को बनाया है, जिनके साथ तुम्हारी शादियां होती हैं वो औरतें तुम्हारे लिए बनाई गई हैं, तुम क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो, तुम इन मेहमानों के साथ तुम गलत काम क्यों करना चाहते हो? फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ी बेचारगी के साथ कहा कि काश मेरे पास कोई ताकत होती, कोई सहारा होता, तो मैं आज तुमसे मुकाबला करके तुमको यहाँ से हटा देता, लेकिन मेरे पास कोई सहारा भी नहीं है, कोई ताकत भी नहीं है, और पूरे कबीले में, पूरे कौम के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो मेरा सपोर्ट कर सके। अलैस मिनकुम रजुलुर रशीद, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या एक आदमी भी तुम्हारे अंदर समझदार नहीं है? क्या एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसके पास दिमाग हो? हजरत लूत अलैहिस्सलाम परेशान थे, टेंशन में थे कि मैं क्या करूं। तब से उन फरिश्तों ने कहा कि आप घबराइए मत, इन्ना रुसुल रब्बिक, हम आपके रब की तरफ से फरिश्ते हैं और हम अजाब लेकर के आए हैं, आप अपने घर वालों को लेकर के निकल जाइए, रातों रात अपने परिवार को लेकर के निकल जाइए, इनके ऊपर अल्लाह का अजाब आने वाला है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के जाने लगे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने परिवार को लेकर के जाने लगे, उनकी एक बीवी जो उनके ऊपर ईमान नहीं लाई थी, उस बीवी के बारे में अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आया कि ऐ लूत अलैहिस्सलाम, आप अपनी उस बीवी को अपने साथ मत लेकर के जाइए, जब अल्लाह का अजाब आएगा तो उस औरत के ऊपर भी आएगा। मेरी प्यारी माओ बहनों, बड़े गौर से सुनना, लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के इतने बड़े रसूल हैं, लेकिन उनकी बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई, और जब अल्लाह का अजाब आया तो उनकी बीवी के ऊपर भी अल्लाह का अजाब आया। पता ये चला कि अल्लाह ताला अगर हिदायत न दे, अगर अल्लाह ताला हिदायत न दे, तो एक नबी की घरवाली, एक नबी की बीवी भी नबी के ऊपर ईमान नहीं लाती है, और जब अल्लाह ताला हिदायत दे देता है तो फिरौन जैसे जालिम की बीवी भी ईमान ले आती है। फिरौन की बीवी जन्नत में जाएगी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी।
एक नबी की बीवी जहन्नम में जा रही है और एक बहुत बड़े जालिम की बीवी जन्नत में जा रही है। इससे यह पता चला कि ईमान वाली औरत ये नहीं देखती है माहौल कैसा है, ईमान वाली औरत ये देखती है मेरा रब क्या कहता है, मेरी शरीयत क्या कहती है, मेरा दीन क्या कहता है। हम कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, माहौल बड़ा खराब है, बड़ी बेपर्दगी हो रही है, बड़ा फैशन निकला हुआ है। कहता हूं अगर एक ईमान वाली औरत ये ठान ले जितना भी फैशन आ जाए जितनी भी बेहयाई आ जाए मुझे अपनी हया को नहीं छोड़ना है, मुझे अपनी शर्म को नहीं छोड़ना है, मुझे पर्दे को नहीं छोड़ना है, मुझे ईमान वाली हया वाली औरत बन के रहना है। एक ईमान वाली औरत अगर ये ठान ले तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी माओ बहनों दुनिया की कोई ताकत उस लड़की से गलत काम नहीं करवा सकती। आज अमरीका और फ्रांस के अंदर बहुत सारी मुस्लिम औरतें हैं जो नकाब पहन करके चलती हैं, जहां लड़कियां और औरतें पूरे बदन को नंगा करके चलती हैं वहां भी मुसलमान औरतें मुसलमान लड़कियां नकाब में निकलती हैं। और आपने शायद सुना होगा साउथ अफ्रीका का एक क्रिकेटर है हाशिम अमला, ये साउथ अफ्रीका का एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, उसकी बीवी नकाब में हमेशा रहती है और कई मुल्कों में ऐसा हुआ कि जब वो नकाब पहन करके गई तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई, उसको जुर्माना देना पड़ा, मगर अल्लाह की उस बंदी ने जुर्माना दिया मगर अपने नकाब को नहीं छोड़ा, अपने पर्दे को नहीं छोड़ा, अपनी शर्म को नहीं छोड़ा, अपनी हया को नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे भाइयों मेरी प्यारी माँ और बहनों आप देखें लूत अलैहिस्सलाम की बीवी एक नबी के घर में रह करके ईमान नहीं ला पाई और फिरौन जैसे जालिम की बीवी फिरौन के महल में रह करके ईमान ले आई। तो माहौल से बढ़ करके ये होता है कि हमारी और आपके दिल में अल्लाह का डर कितना है, अल्लाह का खौफ कितना है। लूत अलैहिस्सलाम निकल रहे हैं अपनी कौम को लेकर के, अब अल्लाह का अजाब आ रहा है। कौन सा अजाब आया? फलम्मा जा अम्रुना जालना आलिहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूद। जब हमारा अजाब आया हमने लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को उलट पलट दिया, उनकी पूरी बस्ती को उलट दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, और आसमान से पत्थरों की बारिश की गई और पत्थर भी ऐसे छोटे छोटे पत्थर थे और पत्थरों पे बाकायदा नाम लिखा रहता था, ये फलां के ऊपर गिरेगा, ये फलां के ऊपर गिरेगा, पत्थर के ऊपर नाम लिखा रहता था और जिसकी खोपड़ी पर गिरता था उसका पूरा कलेजा उसका पूरा दिमाग फट जाता था और पूरा जिस्म उसका फट जाता था और वहीं पर वो मर जाता था। इतना खतरनाक अजाब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पर आया, क्यों? क्योंकि वो बस्ती बेहया थी, बेशरम थी, बदकार थी और मर्द मर्द के साथ गलत काम करता था। आज भी अगर सोसाइटी में ये काम हो रहा है और होगा तो याद रखो अल्लाह ने ये वाकया बयान करके कुरान में हमें और आपको मैसेज दे दिया कि आज भी अगर तुम ये गलत काम करोगे तो हमारा अजाब वैसे ही आ सकता है, कभी कोरोना वायरस की शक्ल में आएगा और कभी आसमान से पत्थरों की बारिश की शक्ल में आएगा। और आगे बढ़िए, एक बहुत बड़ी ताकतवर कौम थी, इस कौम का नाम था कौम आद। इतनी ताकतवर कौम थी ये, इतनी लंबी चौड़ी ये कौम थी कि जब ये अपने मकान बनवाते थे तो बहुत ऊंचे ऊंचे पिलर बनवाते थे। अल्लाह ने कुरान में इनका इंट्रोडक्शन कराते हुए फरमाया अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद, क्या तुमने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या किया, जो बड़े बड़े खंभे बना करके अपने मकान बनाते थे। तो कौम आद को अल्लाह ताला ने बहुत लंबा चौड़ा बनाया था, बड़ा ताकतवर बनाया था और ये कहा करते थे मन नशद मिन्ना कुवा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्द मिन्हुम कुव्वा, ऐ कौम आद जिस अल्लाह ने तुमको बनाया है, जिस अल्लाह ने तुमको इतना ताकतवर बनाया है, क्या वो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ज्यादा ताकत वाला नहीं है? वो अल्लाह तो जब चाहे तुम्हें जमीन में मिला दे, तुम्हें मिट्टी में मिला दे, खत्म कर दे, क्या तुम अल्लाह से भी ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझने लगते हो? तकब्बुर करते थे, घमंड करते थे, अहंकार करते थे। आज हमारे अंदर भी चार पैसे आ जाएं, थोड़े से हम पैसे कमा ले, बिजनेस अच्छा चलने लगे, खूबसूरत बिल्डिंग बन जाए, तो हमारे अंदर भी तकब्बुर आ जाता है,
फिर ऑटोमेटिक उर्दू के बजाय हमारे मुंह से अंग्रेजी ज्यादा निकलती है, फिर बच्चे सलाम कम करते हैं, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग ज्यादा करते हैं, फिर लड़कियां पायजामा कम पहनती हैं और स्कर्ट ज्यादा पहनती हैं, फिर घरों में बर्थडे और एनिवर्सरी और कौन कौन से डे, फ्रेंडशिप डे और मदर्स डे और फादर्स डे और दुनिया भर के डे मनाए जाने लगते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, याद रखो, पैसे तो कारून के पास भी थे, दौलत और हुकूमत और पैसा तो फिरौन के पास भी था, मगर अल्लाह ताला की जब पकड़ आई और अल्लाह का अजाब आया तो ना कारून बचा ना फिरौन बचा। ये पैसा, ये बिल्डिंग, ये मकान, ये दौलत, ये चार दिन की चांदनी है मेरे भाई। एक अल्लाह की तरफ से झटका आता है, एक वायरस आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, करोड़ों पैसा खर्च करके आदमी जिंदगी नहीं खरीद पाता है, और जब मरता है बीवी अलग खड़ी होकर रो रही है, बच्चे अलग खड़े होकर रो रहे हैं, मगर मौत का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। और जो हराम की दौलत इंसान कमाता है वो सारी की सारी दुनिया में रह जाती है, एक पैसा इंसान अपने साथ लेकर के नहीं जाता है। मेरे भाइयों, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, बिल्डिंगें बनाओ, मगर अल्लाह के वास्ते तकब्बुर मत करो, घमंड मत करो। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को जमीन में मिला देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। सहाबा घबरा गए, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा तो जन्नत में नहीं जाएगा? अय अल्लाह के नबी, हम अच्छा कपड़ा जब पहनते हैं, अच्छा जूता जब हम पहनते हैं, और जब हम घर से निकलते हैं और हमसे कमज़ोर कपड़े वाला और हमसे कमज़ोर जूते वाला जब हमें नज़र आता है तो ऑटोमेटिक हमें अपने अंदर एक बड़प्पन का एहसास होता है। तो अय अल्लाह के नबी, अगर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा तो अय अल्लाह के नबी, तब तो बड़ी परेशानी की बात हो जाएगी, तब तो हम हलाक हो जाएंगे, तब तो हम परेशान हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाहा जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा जूता पहनो, अच्छे मकान बनाओ, ये कोई ऐब की बात नहीं है, कोई कमी कोई खामी की बात नहीं है। अच्छा कपड़ा पहनना और खूबसूरत नजर आना, ये अल्लाह ताला को तो पसंद है, अल्लाह तो खूबसूरत खूबसूरती को पसंद करता है, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर ये नहीं है कि अच्छा कपड़ा पहना जाए, तकब्बुर ये नहीं है अच्छा जूता पहना जाए, तकब्बुर ये नहीं है ब्रांडेड चीजें पहनी जाएं, तकब्बुर ये है बत्रुल हक व गमतुन नास, तकब्बुर ये है कि सच्चाई आपके सामने बयान की जाए मगर आप सच्चाई को तस्लीम न करें, आप सच्चाई को स्वीकार न करें, सच्चाई को एक्सेप्ट न करें। व गमतुन नास, और तकब्बुर ये है कि दूसरों को आप हकीर समझें। आपके पास चार पैसे आ गए, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा आपको हकीर नजर आ रहा है, आपका बेटा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, भाई अल्लाह का शुक्र है, अच्छी बात है, आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाएं, मैं मना नहीं करता, मगर ये बात भी याद रखें, अकबर इलाहाबादी ने कहा था, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो चरख पे झूलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो चरख पे झूलो, जायज है हवाओं में उड़ो, जायज है हवाओं में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिस कर रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। आप कॉलेज में पढ़ें, कॉन्वेंट में पढ़ें और पढ़ाएं अपने बच्चों को, मगर अल्लाह याद नहीं है, अल्लाह याद नहीं है आपके बच्चे को, आपके बच्चे को इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, ईमान के बारे में कुछ नहीं पता, तो मेरे भाई आपने लाखों रुपये अपने बच्चे के ऊपर खर्च किए, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, मगर ये पढ़ाई लिखाई आपके बच्चे को इंजीनियर बना रही है, डॉक्टर बना रही है, दुनिया में पैसा कमवा रही है, मगर कब्र में और अल्लाह के यहाँ ये पढ़ाई उसके कोई काम नहीं आएगी, अगर उसे अपने रब के बारे में नहीं पता, उसे इस्लाम के बारे में नहीं पता, उसे कुरान के बारे में नहीं पता। तो तकब्बुर से बचो मेरे भाई, तकब्बुर बड़ी खतरनाक चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिर्मिजी की सही रिवायत है, युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल कियामती अमसाल ज़र्री, तकब्बुर करने वाले, घमंड करने वाले और अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझने वाले, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनको चींटियों की तरह, वो रहेंगे इंसान मगर अल्लाह उनको चींटियों की तरह लेके आएगा मैदान महशर में, चींटियों के बराबर उनको कर देगा, सारी दुनिया देखेगी ये चींटी बन के आ रहे हैं,
सारी दुनिया समझ जाएगी ये घमंडी लोग हैं, ये मुतकब्बिर लोग हैं। और आगे अल्लाह के नबी कहते हैं कि घमंडी लोगों के लिए जहन्नम के अंदर अलग से कैद खाना बनाया जाएगा और उस कैद खाने का नाम बूलस होगा। उस बूलस नाम के कैद खाने में मुतकब्बिरीन को और घमंडियों को और अहंकारियों को और अकड़ू किस्म के लोगों को उस कैद खाने में डाला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तकब्बुर से बचाए। मेरे भाइयों, इस कायनात में सबसे पहला जो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी जो पहली हुई थी वो इसी तकब्बुर की वजह से हुई थी। इबलीस ने भी तकब्बुर ही किया था। अल्लाह ने कहा आदम के आगे सजदा कर, इबलीस ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं क्यों सजदा करूं, मैं आग से पैदा हुआ हूं, आदम मिट्टी से पैदा हुए, मैं आदम के आगे सजदा नहीं करूंगा। तो इबलीस को भी तकब्बुर ही लेके डूबा था। लिहाजा तकब्बुर से हमें और आपको बचना चाहिए। कौम आद ने कहा कि हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है, अल्लाह ताला ने कहा अच्छा तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को रसूल बना करके भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम गए, अपनी कौम को समझाया, तबलीग की, तौहीद की दावत दी, शिर्क से मना किया, तकब्बुर से मना किया, लेकिन आद नहीं मानी और उसने हजरत हूद से कहा इतना बिमा तईदुना इन कुंता मिनस सादिकीन, ए हूद तुम हमको धमकियां ना दो, तुम अज़ाब लेकर के आ जाओ, हम अल्लाह के अज़ाब के लिए तैयार हैं। जब कोई कौम एकदम हलाकत के आखिरी दर्जे पर पहुंच जाती है तो वो डिमांड करती है कि हम पर अल्लाह का अज़ाब लेके आओ। कौम आद ने कहा कि ठीक है तुम पर, हम पर अल्लाह का अज़ाब ले आओ। अब जरा गौर करना मेरे भाइयों, कौम आद जो दुनिया की बहुत ताकतवर कौम थी और बड़े लंबे तड़ंगे लोग थे और बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बनाते थे, अल्लाह ताला का जब अजाब उनके ऊपर आया तो किस तरीके से आया। अल्लाह कुरान में कहता है जब कौमियात के ऊपर हमारा आजाब आया, हमने हवाओं को आजाब बना करके भेजा, तेज हवाएं चलने लगी, आंधियां चलने लगी, सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, सात दिन तक और आठ रातों तक लगातार हवाएं चलती रहीं, आंधियां चलती रहीं, फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम अजाज़ु खाविया, आधी चलती रही और इतनी खतरनाक आंधी आई कि लोगों के सर उनके धड़ से अलग हो गए और लोगों की डेड बॉडी जमीन पर ऐसी पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि खजूर के सड़े हुए तने हैं जो जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं। सात दिन तक लगातार ऐसी हवाएं चलती रही। इसीलिए आज भी अगर आंधी चले तो एक छोटी सी दुआ है, उसको याद कर लो। अल्लाह के नबी वो दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरमा उरसिलत बिही व औज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रिमा उरसिलत बिही। जब हवा चले और तेज हवा चले तो ये दुआ पढ़ लिया करो कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस हवा की भलाई का सवाल करता हूँ और ऐ अल्लाह मैं इस हवा की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ। इस हवा के साथ अल्लाह का कोई अजाब ना हमारे ऊपर आ जाए, ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं। ये जब तेज हवा चलती थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। और आगे बढ़ो, हजरत साले अलैहिस्सलाम की कौम जिसका नाम कौम समूद था, ये भी बड़ी पावरफुल कौम थी और अल्लाह ताला ने इनको मकान बनाने का हुनर दिया था। ये पहाड़ों को तराश तराश के मकान बनाया करते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जब ये कौम पहाड़ों को तराश तराश के मकान बनाया करती थी लेकिन साथ में ये अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया करती थी, अल्लाह ताला ने हजरत साले अलैहिस्सलाम को रसूल बना करके भेजा। हजरत साले अलैहिस्सलाम आए और अपनी कौम को उन्होंने अल्लाह की तौहीद के बारे में समझाया, अपनी कौम को अल्लाह के बारे में बताया और कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, जिस अल्लाह ताला ने तुमको इतना दिमाग दिया है उस अल्लाह का शुक्र अदा करो और तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक मत करो। और अल्लाह ताला ने मोजज़ा के तौर पर एक ऊँटनी को हजरत साले अलैहिस्सलाम के साथ भेजा। वो ऊँटनी अल्लाह ताला ने हजरत साले के साथ भेजी और हजरत साले को हुक्म दिया। हजरत साले ने अपनी कौम से कहा कि देखो ये ऊँटनी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान और आजमाइश बनकर के तुम्हारे लिए आई है, इस ऊँटनी को तुम्हें छेड़ना नहीं है,
एक दिन तुम अपने जानवरों को पानी पिलाओ दरिया पर, और एक दिन मेरी ऊँटनी पानी पिएगी, एक दिन तुम्हें मेरी ऊँटनी को छेड़ना नहीं है, बस तुम्हें इसको खिलाना पिलाना नहीं, इसको अल्लाह ताला खिलाएगा पिलाएगा, बस तुम्हें इसके साथ कोई गलत सलूक नहीं करना है। लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, कौम समूद, एक जालिम आदमी उठा और उसने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया, उसको मार डाला, उसको ख़त्म कर दिया। जब हजरत सालेह की कौम ने इस तरीके से अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब भेजा और आसमान से बहुत जोरदार चीख और आवाज का अजाब उनके ऊपर आया, जिससे उनके कानों के पर्दे फट गए और उनके दिल फट गए और ऑन द स्पॉट वो वहीं पर मर गए। पूरी कौम उस आवाज की वजह से उनका हार्ट अटैक हो गया, उनका कलेजा फट गया और वहीं ऑन द स्पॉट वो मर गए। इस तरीके से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर, कौम समूद के ऊपर अल्लाह का यह अजाब आया। अब और आगे बढ़िए, मैं उन वाकयात को बयान कर रहा हूँ आपके सामने जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है मेरे भाइयों, और मैं चाहता हूँ, रात का ये वक्त है, बड़ा सुहाना वक्त है, आखिरी वक्त है, इस वक्त में हम इन वाकयात को सुनें और अल्लाह का खौफ अपने दिल में हम पैदा करें और सोचें कि उन कौमों के ऊपर जो अल्लाह का अजाब आया, वो अजाब कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना की शक्ल में आज हमारे ऊपर आ रहा है और वो कोताहियाँ और कमियाँ आज हमारे अंदर भी पाई जा रही हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को देखो, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नापतौल में कमी करती थी, चोरी करती थी, बेईमानी करती थी, और जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जाकर के समझाया, ला तबखसुन्ना साशिया अहुन, ओ लोगों तुम सामान के लेन देन में चोरी न करो, तुम डंडी न मारो, तुम लोगों के साथ बेईमानी न करो, वला तातो फिल अर्द मुफ्सिदीन, तुम जमीन में फसाद न मचाओ। तो जानते हो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने जवाब क्या दिया, कहा कि ऐ शुएब तुम नमाज पढ़ो ना, तुम्हें इससे क्या मतलब है, असलातु का तामुरु का अन्नत्रु का मा याबुदु आबाउना औ नफअला फी अमवालिना मा नशा। ऐ शुएब तुम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो, पढ़ते रहो, तुम्हारी नमाज से हमको कोई लेना देना नहीं, और जब हमें तुम्हारी नमाज से कोई लेना देना नहीं तो हम अपने बिजनेस में जो चाहे करें, हम जहाँ से चाहे पैसा कमाएं, चोरी करें, बेईमानी करें, लूट मार करें, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, इन्नकल अंतल हलीमुर रशीद। शुएब तुम तो समझदार आदमी मालूम होते हो, तुम दूसरों के फट्टे में क्यों अपना हाथ डालते हो, तुम्हें क्या पड़ी है, हमें अपने माल के साथ जो करना है करने दो। सबक मिला कि अल्लाह ताला जब माल देता है तो ये माल अल्लाह का दिया हुआ है, इस माल को अपना माल अगर आपने समझा तो ये उन कौमों की निशानी है जिनके ऊपर अल्लाह का अजाब नाज़िल। इस माल को जब तक आप अल्लाह का माल समझेंगे तो माल को हराम जगहों पर खर्च नहीं करेंगे, जिना पर खर्च नहीं करेंगे, शराब पर खर्च नहीं करेंगे, अय्याशी पर खर्च नहीं करेंगे। जिस दिन आपने यह समझ लिया ये माल मेरा है, मैं कमा रहा हूं, उस दिन से आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए, उस दिन से समझो आप बर्बाद हो गए। यह माल अल्लाह की अमानत है मेरे भाई, ये माल अल्लाह ताला ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप अपने बाल बच्चों का हक अदा करें, अपना हक अदा करें, फिर इस माल में से गरीबों का हक अदा करें, यतीमों का हक अदा करें, इस माल से ज़कात दें, सदका करें, चंदा दें, दान दें। ये माल अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पर आपको दिया है, इस माल को जैसे चाहे वैसे खर्च करने का आपको अधिकार नहीं है, ना तो हराम तरीके से माल कमाने की इजाज़त है, ना हराम जगहों पर माल खर्च करने की इजाज़त है। और जब हराम तरीके से कमाने की बात आ गई तो मुझे कहने दो मेरे भाइयों, हमने जो अपने समाज में जहेज की लानत को राइज करके रखा है, बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े माथों पर सजदे के निशान वाले, 5 टाइम के नमाजी और तहज्जुद पढ़ने वाले भी जब लड़के की शादी करने के लिए निकलते हैं तो चाहते हैं कि लड़की वाले 10 लाख रुपया कैश दे दें, 4 व्हीलर दे दें, 2 व्हीलर दे दें, वो लड़की वालों से जहेज की या तो डिमांड करेंगे या डिमांड नहीं करेंगे तो कम से कम ये उम्मीद रखेंगे कि हमें मिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों, हराम कमाना सिर्फ रिश्वत के जरिए नहीं है, सिर्फ लूट मार के जरिए नहीं है, किसी के माल को नाजायज तरीके से हड़प लेना जिसका सबूत शरीयत में ना हो, जिसकी इजाजत शरीयत में ना हो, उस तरीके से लोगों का माल ले लेना, यह भी तो हराम है, यह भी तो नाजायज है।
नहीं मौली साहब, आप नहीं समझेंगे, हम लोग जहेज की डिमांड नहीं करते हैं। लड़की का बाप बेचारा अपनी खुशी से दे देता, बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। लड़की का बाप अगर करोड़पति है वो अपनी खुशी से आपको बहुत कुछ दे देगा, लेकिन अगर लड़की का बाप गरीब है या मिडिल क्लास का है, खाने कमाने वाला है, बेचारा बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का खर्च चलाता है, ज़रा उसके बारे में सोचो कि वो अपनी लड़की के जहेज का इंतज़ाम कहाँ से करेगा। ओ लोगो, हमें और आपको शर्म आनी चाहिए। हम जब नमाज पढ़ते हैं पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी नमाज अल्लाह के नबी के तरीक़े के मुताबिक हो। हम सीने पर हाथ भी बांधते हैं, हम आमीन भी ज़ोर से बोलते हैं, हम रफा यदैन भी करते हैं, हम रमज़ान में तरावी 8 ही रकात पढ़ते हैं। सारे तरीके तो नबी के हैं, लेकिन जब शादी ब्याह का मामला आता है तो वहाँ पर हमारी अहले हदीसियत कहाँ चली जाती है, वहाँ पर हमारी सलफियत कहाँ चली जाती है। जब शादी ब्याह का मामला आता है तो हम समाज के तौर तरीके पर क्यों चलने लगते हैं, हम अपने इलाके और समाज के रस्म और रिवाज से क्यों बच जाते हैं। ओ लोगों, जो रिवाज हमारी लड़कियों को कत्ल कर दे, जो रिवाज हमारी बहनों को कत्ल कर दे, जो रिवाज हमारी बेटियों को अपनी जान दे पर मजबूर कर दे, उस रिवाज को खत्म करो, उस रिवाज को दफन करो, उस रिवाज को अपने समाज से निकाल के फेंक दो। अहमदाबाद की वो हमारी मासूम बहन आयशा बानो, उसने खुदकुशी कर ली, साबरमती नदी में कूद के जान दे दी। मैं ये नहीं कहता उसने जान दे करके सही किया, बहुत गलत काम किया, उसने गुनाह का काम किया, वो अल्लाह के यहां इसका हिसाब भी देगी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जरा अपने सीने पर हाथ रख के ये बताओ, आयशा बानो ने अपनी जान अगर दी है तो क्यों दी है? क्या इस पर गौर करने का हमें और आपको हक नहीं है? जब हम गौर करते हैं आयशा बानो की खुदकुशी के वाक़े पर तो पता ये चलता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जहेज भी थी। उसके ससुराल वाले जहेज के नाम पर प्रताड़ित कर रहे थे, उसके ससुराल वाले जहेज के नाम पर उसको परेशान कर रहे थे, और खुद खुशी करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह जहेज भी थी। कभी आपने गौर किया इस जहेज की वजह से आज बेटियां अपने मां बाप के लिए बोझ बन गई हैं। आज जब किसी के घर में पैदाइश होती है, बच्चे का जन्म होता है, और जब यह पता चलता है कि हमारे घर में लड़की पैदा हुई है, तो कितने लोगों के माथे पर बल आ जाते हैं, कितने लोगों का चेहरा उतर जाता है कि ये कौन सी मुसीबत मेरे घर में आ गई, ये बेटी मेरे घर में क्यों आ गई, इसको तो अब पालना पोसना पड़ेगा, और फिर जब ये जवान हो जाएगी इसकी शादी में लाखों खर्च करके इसके जहेज का इंतज़ाम करना पड़ेगा। ओ लोगों, तुम्हारे इस जहेज की रस्म की वजह से बेटियां अपने माँ बाप के लिए बोझ बन गई। हालांकि बेटी बोझ नहीं है, अगर बेटी बोझ होती तो अल्लाह ताला अपने नबी को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-4 बेटियां न देता। अल्लाह ने अपने नबी को 4-4 बेटियां दी थी। अगर ये बेटी बोझ होती तो अल्लाह के प्यारे नबी ये न फरमाते, मन कान लहू सलासो बनातिन, जिसको अल्लाह ताला 3 बेटियां दे करके आजमाता है, जिसको अल्लाह ताला 3 लड़कियां दे दे और उन 3 बेटियों की वो अच्छे तरीके से परवरिश करे, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाए लिखाए, उनकी तालीम का इंतज़ाम करे और अच्छी जगह उनकी शादी कर दे। कुन्न लहू सित्रम मिनन्नार, वो लड़की वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेगी। ओ लोगों, जो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने वाली बनकर के आई थी, आपने जहेज की वजह से उस बेटी को अपने माँ बाप के लिए बोझ बना दिया। आज कितने माँ बाप हैं जो अपनी बेटी की शादी की फिक्र में घुले जा रहे हैं। बाप बेचारा अपनी उम्र के पहले बूढ़ा हो रहा है, उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसके बदन में झुर्रियाँ पड़ रही हैं, उसको फिक्र खाए जा रही है कि वो अपनी लड़की की शादी कैसे करेगा। और एक बात और बोलूं, ये जो जहेज है ना, ये जहेज इसलिए भी बहुत खतरनाक है कि ये मर्द की गैरत को ख़त्म कर देता है। भाई अल्लाह ताला ने मर्द को एक गैरत दी है। जब तू अपने ससुराल की मिली हुई बाइक चलाएगा, जब तू अपने ससुराल से मिली हुई बेड और मसेरी के ऊपर बैठ करके अपनी बीवी से मिलेगा, अपने ससुराल से मिली हुई फ्रिज का तू ठंडा पानी पिएगा,
तो तेरी गैरत कभी तेरे अंदर पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि ससुराल से मिलने वाले जहेज के उन सामानों ने तेरी गैरत का मुंह बंद कर दिया है। तेरी गैरत तो कभी बेदार ही नहीं होगी, वो ससुराल से मिलने वाली भीख ने तुझे बेगैरत बना दिया होगा, उसने तेरी गैरत को ख़त्म कर दिया होगा। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जहेज तकरीरों से ख़त्म न होगा, जहेज जलसों से ख़त्म न होगा, जब तक लड़के वाले और ख़ुद लड़के ये तय न कर लेंगे हम अपनी शादी में एक पैसा जहेज नहीं लेंगे। हम जब इतना सारा खर्च कर रहे हैं, हम वलीमा का इंतज़ाम कर रहे हैं, हम दुल्हन के कपड़े का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो हम एक मसेरी का इंतज़ाम भी कर लेंगे। ठीक है, आज हमारे पास बाइक लेने की ताकत नहीं है, कल अल्लाह ताला देगा हम बाइक, क्या हम फोर व्हीलर ले लेंगे। आज हमारे घर में अगर फ्रिज नहीं है, इंशाअल्लाह हम शादी करके आएँगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ और अल्लाह की कसम, मैं आपको अल्लाह का वादा याद दिलाता हूँ, शादी करने से अल्लाह ताला बरकत देता है। और मैंने खुद तजर्बा किया है, जब इंसान शादी करता है, अकेला जब तक रहता है तो एक तकदीर उसकी होती है, जब वो शादी करके बीवी को लाता है तो अल्लाह ताला बीवी के मुकद्दर को भी उसके साथ जोड़ देता है और अल्लाह ताला उसकी रोज़ी को डबल कर देता है। आप तजर्बा कर लें, अल्लाह तबारक व ताला ऐसी जगहों से रोज़ी देता है आप सोच नहीं सकते। और जब बच्चे पैदा होते हैं, आदमी सोचता है यार मेरा खर्चा बढ़ गया, लड़का पैदा हो गया, लड़की पैदा हो गई, भाई साहब आप दो थे, लड़की आपके घर में आ गई, लड़का आपके घर में आ गया, अब वो मुकद्दर लेके आई है, मुकद्दर लेके आया है, उसका मुकद्दर भी आपके साथ अल्लाह ताला ने जोड़ दिया, अब कहीं ना कहीं से उसके मुकद्दर का रिस्क भी अल्लाह ताला आपको देगा, कहाँ से देगा ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। और मैं एक बात और बताऊँ, अगर पहली औलाद लड़की पैदा होती है तो बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये बरकत की निशानी है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने पहले लड़की का जिक्र किया, यह बोले मन यशाउ इनाथ व यह बोले मन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहता है लड़की देता है और जिसे चाहता है लड़का देता है और जिसे चाहता है दोनों देता है। तो अल्लाह ने पहले लड़की का जिक्र किया है, इसीलिए शादी के बाद पहली औलाद अगर बेटी पैदा होती है तो ये बरकत की निशानी है। तो मेरे भाइयों, इस जहेज की रस्म की वजह से बेटियों को बोझ मत बनाओ, और इस जहेज ने जो बहुत बड़ा नुकसान ये किया है कि निकाह को मुश्किल बना दिया और ज़िना को आसान कर दिया। गरीब घरों के लड़के और लड़कियां हैं, शादी करने के नाम पर हजारों झंझट हैं, लेकिन ज़िना और बदकारी करना इंतहाई आसान है। ज़िना करने पर और बदकारी करने पर कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, और निकाह करने पर, शादी करने पर लाखों का इंतजाम करना है। ओ लोगों, इस जहेज की रस्म की वजह से आज ज़िना आसान हो गया और निकाह मुश्किल हो गया, जबकि मेरे नबी ने इतना आसान किया था निकाह को कि ज़िना मुश्किल हो जाए। मेरे नबी के दौर में इतना आसान था निकाह करना कि लड़की के बाप के ऊपर एक पैसे का भी बोझ नहीं था, लड़की के बाप को एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। दीनदार लड़के का रिश्ता आया, लड़की का बाप जब चाहे अपनी लड़की की शादी कर सकता है, एक पैसे का भी उसको जहेज नहीं देना है। तो जिस तरीके से नाप तौल में कमी करना ये अल्लाह के अजाब को दावत देना है, उसी तरीके से जहेज में नाजायज माल हड़प करके लाना ये भी अल्लाह के अजाब को दावत देना है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम यही काम करती थी, नाप तौल में कमी करती थी, चोरी करती थी, बेईमानी करती थी। अल्लाह ताला ने तीन टाइप का अजाब उनके ऊपर भेजा, उनके ऊपर आसमान से जोरदार आवाज का भी अजाब आया, जलजला का अजाब भी आया, और तीसरा अजाब यह आया कि आसमान पर बदलियां छा जाती थी और उन बदलियों से अंगारे बरसते थे। ये तीन टाइप के अजाब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर बरसाए गए। और आगे बढ़िए, फिरौन को देखिए आप। फिरौन जो इतना बड़ा मुशरिक था कि अपनी कौम से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं और अपने आगे सज्दे करवाता था। जब फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए और अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान किया और कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और तुम्हारा रब अल्लाह है, तुम्हारा माबूद अल्लाह है, तो फिरौन ने अल्लाह ताला का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हामान, अरे भाई मेरे लिए एक महल बना दो, एक ऊंचा सा किला बना दो, जरा मैं आसमान पे चढ़ के देखूं मूसा का अल्लाह कैसा है, मूसा का रब कैसा है, जरा मैं भी तो झांक के देखूं। अल्लाह का मजाक उड़ाया फिरौन ने। फिरौन ने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाया। जब फिरौन के
किसी दरबारी ने ये फिरौन को बताया था, तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो आगे चलकर के तुझे खत्म कर देगा। इस डर से फिरौन ने अपने सल्तनत के बनी इसराइल के छोटे छोटे बच्चों को मरवा डाला। जब हजरत मूसा की पैदाइश हुई तो मूसा की मां घबराने लगी कि फिरौन का तो ऑर्डर है कि जिसके घर में लड़का पैदा होता है फिरौन के सिपाही आते हैं और बच्चे को कत्ल कर देते हैं, मेरा बच्चा भी मार डाला जाएगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। अल्लाह ने मूसा की मां को हुक्म दिया है, मूसा की मां तू मूसा को एक संदूक में रख करके पानी में डाल दे। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, एक मां से यह कहा जा रहा है, एक मां से यह कहा जा रहा है कि तू अपने दूध पीते बच्चे को, अपने मासूम बच्चे को तू पानी में डाल दे। लेकिन मूसा की मां को पता था ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ताला जरूर मेरे बच्चे की रक्षा करेगा, मेरे बच्चे की हिफाजत करेगा। मूसा की मां ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखा और अल्लाह के हुक्म से पानी में डाल दिया। जब पानी में डाल रही थी मूसा अलैहिस्सलाम की मां तो घबरा रही थी, उनका दिल बेकरार था। अल्लाह ने कहा इन्ना रादूहु इलैकी, ऐ मूसा की मां तू घबराना नहीं, तू डरना नहीं, हम तेरे बच्चे को जरूर तेरे पास वापस लाएंगे। वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और तेरे बच्चे को हम रसूल भी बनाएंगे, पैगंबर भी बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी मां ने पानी में डाल दिया। अब पानी में वो संदूक आगे बढ़ रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी वो उस संदूक के पीछे पीछे जा रही कि देखे मेरा भाई कहाँ जा रहा है। अल्लाह अकबर, भाई बहन को भाई से कितना प्यार होता है, बहन भाई का रिश्ता भी बड़ा प्यारा होता है। जिस घर में बहन ना हो वो घर मेरे भाइयों वीरान है, जिस घर में भाई को बहन का प्यार ना मिले, बहन को भाई का प्यार ना मिले। बहनें वो होती हैं जो भाइयों की हिफाजत करती हैं, जो भाइयों की देखभाल करती हैं। हजरत मूसा की बहन पीछे पीछे जा रही, देखे मेरा भाई कहाँ जा रहा है। अब वो संदूक तैरते 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 कहाँ पहुंचा, फिरौन के महल का जो झरोखा था, फिरौन के महल की जो बालकनी थी, बालकनी से फिरौन की बीवी झांक रही थी, उसने देखा कि नदी में से एक खूबसूरत बच्चा संदूक जा रहा है। बच्चा तो नजर नहीं आ रहा था, संदूक बंद था ऊपर से, उसने देखा संदूक जा रहा है। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा, जाओ देखो संदूक में क्या है। लौंडी जब संदूक लेकर के आई तो देखा उसके अंदर एक खूबसूरत बच्चा है। फिरौन की बीवी बे औलाद थी, लावलत थी, उसको कोई बच्चा नहीं था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया, उतनी देर में फिरौन आ गया। फिरौन ने कहा ये कौन है, कहा कि ये मुझे पानी से मिला है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा। फिरौन ने कहा नहीं, इसको कत्ल करने का मैं ऑर्डर दे देता हूँ, मेरी सल्तनत में जितने बच्चे पैदा होंगे मैं कत्ल करने का ऑर्डर दे दूंगा। फिरौन की बीवी ने कहा नहीं नहीं, देखो कितना प्यारा है, ये कितना सोना है, ला तक्तुलूहू, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, इस बच्चे को कत्ल मत करवाओ। असा अन यनफाना, देखो ये बच्चा हमारे काम का है, औ अन नत्तखिज़हू वलदा, इसको हम अपना बच्चा बना लेंगे, इसको पाल लेंगे, इसकी परवरिश कर लेंगे, ये हमारा बेटा बन जाएगा, हमें माँ की तरह और आपको बाप की तरह प्यार करेगा, इस बच्चे को कत्ल मत करवाओ। मेरे प्यारे भाइयों, फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, फिरौन किसी की नहीं सुनता था, मगर अल्लाह ताला ने फिरौन जैसे जालिम के दिल में बीवी की मोहब्बत रखी थी, फिरौन जैसा जालिम भी अपनी बीवी की बात मान गया। उसने कहा ठीक है, चलो तुम कहती हो तो इस बच्चे को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आज कितने लोग हैं जो फिरौन से भी बड़े जालिम हैं, जो बीवी से प्यार भी नहीं करते, जो बीवी को कभी मोहब्बत की नज़र से नहीं देखते, जो बीवी की जायज़ फरमाइशों को भी नहीं मानते। भाई नाजायज़ फरमाइशें आप ना माने, बीवियों की गलत बातें ना माने, लेकिन बीवियां अगर कोई जायज़ फरमाइश कर रही हैं, आप अपने लिए बेहतरीन शेरवानी के कपड़े ला रहे हैं, अपने लिए बेहतरीन सफारी सूट ला रहे हैं, बेचारी गर्मी का मौसम आया है, आपसे बार बार कह रही है मुझे फलां काटन का सूट दिला दो, और आप कह रहे हैं अरे बेगम मत पूछो मत पूछो, मेरी सैलरी बहुत कम है, ये है वो है, बहाने कर रहे हैं आप। भाई साहब, फिरौन से बड़े जालिम ना बने आप, फिरौन से बड़े जालिम ना बने, फिरौन भी अपनी बीवी की बात मान रहा है। और एक सबक और मिला कि औरत अगर चाहे,
अल्लाह ताला ने औरत को जज्बात की ऐसी ताकत दी है, फिरौन जैसे जालिम से भी ये औरत अपनी बात मनवा सकती है। अगर आपका शौहर सिगरेट पीता है, आप ठान लें मुझे अपने शौहर की सिगरेट छुड़ानी है, मुझे अपने शौहर की शराब छुड़ानी है, मुझे अपने शौहर को फजर की नमाज का पाबंद बनाना है, तो मेरी माओ और बहनों आप बना लेंगी। अल्लाह ताला ने आपको वो ताकत दी है। फिरौन जैसे जालिम की बीवी ने भी फिरौन से अपनी बात मनवा ली, कहा कि चलो इस बच्चे को हम पाल लेते हैं। और अल्लाह ताला ने उसी बच्चे को आगे चल करके जब वो मूसा अलैहि सलाम बने और अल्लाह ने उनको रसूल बनाया, और उन्होंने फिरौन के दरबार में जब अपने रसूल होने का इकरार किया तो फिरौन मजाक उड़ा रहा है और मूसा अलैहि सलाम से कह रहा है कि मैं तुम्हें रसूल नहीं मानता, तुम्हें झूठा मानता हूँ। फिर एक दिन ऐसा आया कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल को लेकर के वहाँ से मिस्र से जाने लगे। अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया कि मूसा बनी इसराइल को लेकर के मिस्र से निकल जाओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर के निकलने लगे तो फिरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर के निकल रहे हैं। फिरौन ने बहुत बड़ा लश्कर तैयार करवाया और पीछा करने लगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। जब फिरौन पीछा करने लगा, रास्ते में दरियाए कुलज़ुम पड़ गया। बिल्कुल दरिया के करीब जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुँच गए, पीछे फिरौन का लश्कर है, सामने दरियाए कुलज़ुम है। हज़रत मूसा की कौम के लोग घबरा गए और कहने लगे, ऐ मूसा अब हमें कौन बचाएगा, पीछे देखो फिरौन है और आगे तो पानी है, अब हम कहाँ जाएंगे। इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब हमें कोई बचाने वाला नहीं है। जैसे आज के दौर में हिंदुस्तान में भारत का मुसलमान ये सोचता है कि अब हमें कौन बचाएगा, अब हमारा कौन पुरसाने हाल है। कभी हमारे कुरान पर एतराज किया जा रहा है और कुरान की 26 आयतों को कुरान में से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मुसलमान कहने वाला अपने आप को हुकूमत का दलाल, सरकारी दलाल, वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर रहा है और कुरान पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की मीटिंग में नरसिम्हा नंद नाम का एक मलून और बदबख्त हमारे नबी के बारे में बदतमीजी करता है और हमारे नबी को गाली बकता है। मेरे भाइयों, ऐसे माहौल में भारत का मुसलमान ये सोचता है कि अल्लाह क्या इस मुल्क में अब हमारा कोई फ्यूचर है कि नहीं है, इस मुल्क में हमारा कोई भविष्य है कि नहीं, अय अल्लाह इस मुल्क में हमारा आने वाला कल कैसा होगा। मेरे भाइयों याद रखो, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा है, हमने अल्लाह को अपना माबूद माना है, और जब हमने अल्लाह को अपना माबूद माना है तो हमारा ये भी अकीदा है हसबुनल्लाहु व निमल वकील। अगर हम अल्लाह वाले बन जाएं, अगर अल्लाह की तौहीद पर कायम हो जाएं, अगर अल्लाह के दीन पर चलने वाले बन जाएं, रब्बे काबा की कसम दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बड़े से बड़ा जालिम आ जाए, बड़े से बड़ा जाबिर आ जाए, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मूसा अलैहिस्सलाम, पीछे फिरौन है, सामने दरिया है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम परेशान है, कह रहे मूसा हम कहाँ जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, कल्ला इन्ना मईया रब्बी सयादीन, ऐ मेरी कौम के लोगों डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ऐ मेरी कौम के लोगों हम परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मूसा जरा अपनी लाठी को तुम दरिया के ऊपर मार दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को दरिया के पानी पर मारा और दरिया के बीच में रोड बन गया, दरिया के बीच में सड़क बन गई, जैसे झारखंड में पहाड़ों में सड़क बन गई, पहाड़ों के बीच में सड़क बन गई। ये आज के इंसान का कमाल है, उसकी इंजीनियरिंग का कमाल है, और ये मेरे रब का मुजज़ा है कि समंदर के बीच में कोई ब्रिज नहीं, कोई पुल नहीं, कोई खंबा नहीं, बिल्कुल रोड बन गई, सड़क बन गई। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर के उस रास्ते से जाने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर के दरिया को पार कर गए तो पीछे फिरौन ने देखा कि समंदर में रास्ता बन गया है, दरिया में रास्ता बन गया है। फिरौन भी अपने साथियों को लेकर के उसी सड़क पर, उसी रास्ते पे चला गया और जैसे ही वो बीच में पहुंचा, अल्लाह ताला ने पानी को मिला दिया और फिरौन का सारा लश्कर डूब गया और फिरौन भी डूब गया। फिरौन के सारे हवारी मवारी, चेले चमचे सब डूब गए, सब मर गए। इंशाल्लाह हर जालिम को एक दिन डूब जाना है मेरे भाई।
हर फिरौन को एक दिन गर्क होना है, हर मूसा के लिए कोई ना कोई फिरौन, हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मूसा तैयार करके रखा है। वक्त का, सही वक्त का इंतजार करो और अल्लाह से अपनी लौ लगाए रखो। बस फिरौन डूब गया। और आखिरी बात, मैं तकरीर करके बात खत्म करूंगा, 2 बज रहा है। फिरौन जब डूब रहा था तो फिरौन ईमान ले आया। आप हैरत करेंगे, फिरौन इतना बड़ा जालिम था, अल्लाह का मजाक उड़ाता था, अपने आप को रब कहता था, लेकिन जब फिरौन डूबने लगा, कहने लगा आमन तो बिल्लज़ी आमनत बिही बनू इसराइल, भाई अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं, मैं बनी इसराइल के रब के ऊपर ईमान लाता हूं। अल्लाह ने फरमाया आल आना, ऐ फिरौन तू अब जा करके ईमान लाया है, वकद आसैता मिन कबलू, सारी जिंदगी तो तेरी नाफरमानियों में गुजरी है, अब मरने के टाइम तू ईमान लाया है, मरने के टाइम तेरी तौबा हम कबूल नहीं करेंगे। पता ये चला कि अल्लाह का अजाब देखने के बाद अल्लाह तौबा कबूल नहीं करता है। मेरे प्यारे भाइयों, कोरोना का दौर चल रहा है, किसके घर में कब मौत की दस्तक आ जाए और कब किसका कौन दुनिया से चला जाए कोई गारंटी नहीं है। इसके पहले कि अल्लाह का अजाब हम अपनी आंखों के सामने देख लें, हम ईमान ले आए, हम तौबा कर लें, हम सुधर जाएं, हम अपनी इस्लाह कर लें, हम वो काम न करें जो फिरौन ने किया था। फिरौन की तौबा को अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया। और जब फिरौन डूब गया, फिरौन खत्म हो गया, तो फिरौन जो बड़े बड़े महल छोड़ करके गया था, अल्लाह ने फरमाया कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन। जरा देखो तो सही, फिरौन कितने बड़े बड़े महल छोड़ करके गया है, कितने बड़े बड़े बागात छोड़ के गया है, कितनी बड़ी बड़ी खेतियां छोड़ करके गया है। कज़ालिका व औरसनाहा क़ौमन आखरीन, लेकिन आज उन महलों में कोई रहने वाला नहीं, उन फलों को कोई खाने वाला नहीं, उन खेतियों से कोई फायदा उठाने वाला नहीं। आज फिरौन चला गया, फिरौन डूब गया, और फिरौन के जाने के बाद दूसरे उन महलों के मालिक बन गए। मेरे भाइयों, यही दुनिया की हकीकत है। मकान हम बनाते हैं, रहता कोई और है, दौलत हम इकट्ठा करते हैं, फायदा कोई और उठाता है। हम जिस माल को कमाने के लिए हलाल हराम जायज नाजायज सब भूल जाते हैं, ये माल मरने के बाद हमारे कोई काम नहीं आता, कब्र में कोई काम नहीं आता, मुनकर नकीर के जवाब में कोई काम नहीं आता, कल कयामत के दिन कोई काम नहीं आएगा, जन्नत जहन्नम से बचाने में कोई काम नहीं आएगा, जन्नत में ले जाने के लिए कोई काम नहीं आएगा। इस माल को अगर अपने काम में लाना है, सही जगहों पर खर्च करो और हलाल तरीके से माल कमाओ। मेरे भाइयों, फिरौन का माल और फिरौन की प्रॉपर्टी उसके कोई काम नहीं। तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने मुख्तलिफ कौमों का जिक्र किया कुरान में कि इन कौमों ने कौन कौन से गुनाह किए और उनके ऊपर अल्लाह ताला का क्या अजाब आया। वक्त मेरा ख़त्म हो रहा है, मैंने जैसा कि वादा किया था 2 बजे मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर दूंगा। एक आखिरी हदीस सुना करके बात अपनी ख़त्म करता हूँ। ये हदीस ऐसा लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आज के हालात को सामने रख करके ये हदीस आपने बयान फरमाई थी। बस ये हदीस सुन लीजिए, इसका तर्जमा सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इब्ने माजा की सही रवायत है, इब्ने माजा किताबुल फितन के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 बुराइयाँ ऐसी हैं कि मुसलमानों, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि वो 5 बुराइयाँ तुम्हारे अंदर पैदा ना होने पाएँ, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। कौन सी 5 बुराइयाँ हैं? नंबर 1, लम तज़हर الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا। जब किसी कौम के अंदर बेहयाई और नंगापन आम हो जाता है, जब कोई कौम खुल करके गंदे गंदे काम करने लगती है, उस कौम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ऐसी बीमारियां भेज देता है, ऐसे वायरस भेज देता है जिनका नाम भी उनके बाप दादा ने नहीं सुना था। आज कोरोना वायरस
हमारे बुजुर्गों ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी नाम भी नहीं सुना था। आज कोरोना वायरस आया है, कल न जाने कौन सा वायरस आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, समाज के अंदर नजर उठा के देख लो, आज नंगापन आम होता चला जा रहा है। आज शहर छोड़ दो, देहातों के अंदर और गाँव के अंदर, छोटे छोटे कस्बों के अंदर आज मुसलमान घरों की लड़कियां कैसे कपड़े पहन रही हैं, आज किस तरीके से जिस्म का प्रदर्शन किया जा रहा है। आज व्हाट्सएप ने, सोशल मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने, टीवी सीरियल ने और यूट्यूब चैनल ने आज हमारे लड़के और लड़कियों का जो माइंडसेट बना दिया है, जो ज़हनियत बना दी है, आज फैशन के नाम पर हमारे घरों में नंगापन परोसा जा रहा है। बाप खुद अपनी लड़की को ला करके ऐसी ड्रेस दे रहा है, भाई खुद अपनी बहन को ला करके ऐसे कपड़े दे रहा है, जिस कपड़े को पहनने के बाद भाई की बहन और बाप की बेटी बेपर्दा ही नहीं, बल्कि एक तरीके से हम ये कह दें कि अर्ध नग्न होकर, आधी नंगी होकर के टहल रही है। नबी अकरम फरमाते हैं, जब किसी कौम के अंदर उरियानियत और नंगापन आम हो जाए, बेहयाई आम हो जाए, तो उस कौम के अंदर यही हालात आ जाते हैं। दूसरी चीज, इल्ला उखिजू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊनति व जौरिस सुल्तानी अलैहिम। और जब किसी कौम के अंदर नाप तौल में कमी आ जाए, कारोबार में चोरी आ जाए, लेन देन में फ्रॉड आ जाए, धोखाधड़ी आ जाए, हराम तरीके से लोग पैसा कमाने लगे। आपके झारखंड में एक बहुत बड़ा बेल्ट ऐसा है जहां एटीएम चोरी आम है, एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहां साइबर क्राइम आम है, और बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जहां मुसलमान सूद और ब्याज का लेन देन धड़ल्ले से करते हैं। लोग कहते हैं ये हिंदुस्तान है, ये तो दारुल कुफ्र है, यहां तो सूद और ब्याज भी ले सकते हो। नहीं मेरे भाई, आज भी हिंदुस्तान में ऐसे हालात नहीं है कि आपके लिए सूद और ब्याज लेना मजबूरी बन जाए। आप अगर इंटरेस्ट लेकर के मकान बनवा रहे हो, इंटरेस्ट दे करके आप लोन लेकर के मकान बनवा रहे हो, तो ये गलत ही माना जाएगा। आप मजबूर नहीं है, आप किराए के मकान में रहें, लेकिन इंटरेस्ट पर पैसा लेकर के मकान न बनवाएं। आप जहां मजबूर हैं वहां का मसला अलग है। हम बैंक में पैसा रखते हैं और बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमारी मजबूरी है, मगर इंटरेस्ट पर लोन लेकर के बिजनेस करना ये हमारी मजबूरी नहीं है। लिहाजा मजबूरी का नाम देकर के इंटरेस्ट और सूद को जायज न करार दो। नबी अकरम फरमा रहे हैं कि जब किसी कौम के अंदर नाप तौल में कमी आ जाए, चोरी आ जाए, बेईमानी आ जाए, उस कौम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कहर साली को मुब्तला कर देता है और उस कौम की मईशत को तंग कर देता है और जालिम बादशाह को और जालिम हुकूमत को मुसल्लत कर देता है। दो चीजें हो गई। नंबर तीन, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम। और जब किसी कौम के लोग अपने माल की ज़कात देना बंद कर देते हैं, इल्ला मुनउल क़त्रा मिनस समा, आसमान से बारिश नाजिल होना बंद हो जाती है। पिछला रमज़ान लॉकडाउन में गया, इस बार का रमज़ान भी लॉकडाउन में जाने की पूरी उम्मीद है। छोटे छोटे मदरसे जहाँ ज़कात की रकम से बच्चे पढ़ते हैं और टीचरों को तनख्वाहें दी जाती हैं, आज हिंदुस्तान के लाखों छोटे छोटे मदरसे बंद होने की कगार पे आ गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप अपने माल की जो भी ज़कात निकालते हैं, कोशिश करें कि जिस मदरसे को, जिस इदारे को आप वो ज़कात दिया करते थे, किसी भी तरीके से वो ज़कात उन तक पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह की कसम, ये मदरसे, ये दीन के इदारे, ये हमारे दीन के किले हैं। अगर हमने अपनी ज़कात और इमदाद देना बंद कर दिया और ये इदारे बंद हो गए, तो कल हम इस हिंदुस्तान में इस्लाम के ऊपर चलना हमारा मुश्किल हो जाएगा और इस्लाम का जानना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अपने माल की सही ज़कात निकालो। अगर आप सही ज़कात नहीं निकालेंगे, इल्ला मुनउल क़त्रा मिनस समा, आसमान से बारिश नाजिल होना बंद हो जाएगी। और अल्लाह के नबी कहते हैं कि अगर ये मासूम बेजुबान जानवर ना होते तो अल्लाह ताला जमीन पर एक कतरा पानी न बरसाता। तीन चीजें हो गई। नंबर चार, वलम यनकुजु अहदल्लाही व अहद रसूलिही। और जब कोई कौम अल्लाह ताला से वादा करके वादा तोड़ देती है और रसूल से वादा करके वादा तोड़ देती है, तो उस कौम का क्या हाल होता है? उस कौम का ये हाल होता है कि अल्लाह ताला उस कौम को दूसरों के हवाले कर देता है और उसकी सारी ताकत छीन ली जाती है। उस कौम की सारी ताकत दूसरे लोग छीन लेते हैं। मेरे भाइयों, हमने भी अल्लाह से एक वादा किया था, हम
पांच टाइम की नमाज में बार बार वादा करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, मगर कितने मुसलमान हैं अल्लाह से ये वादा करके ये वादा तोड़ देते हैं। अगर औलाद मिलने में ताखीर हो गई वो आस्थानों पे और दरगाहों पे जा करके अपने सर झुका देते हैं, कोई तावीज़ अपने बच्चे के गले में डाल रहा है, कोई गैरुल्लाह की कसम खा रहा है, कोई गैरुल्लाह के नाम पे मुर्गे ज़बा कर रहा है, जानवर ज़बा कर रहा है। अलगर्ज़ शिर्क करने के बहुत सारे रास्ते आज खोल दिए गए हैं। हमने अल्लाह से वादा करके वादा तोड़ दिया और रसूल से भी वादा करके वादा तोड़ दिया, हालात ये हो गए कि आज हमारी ताकत छीन ली गई और अल्लाह ताला ने दूसरों के हवाले हमें और आपको कर दिया। और पांचवी और आखिरी चीज़ जो इस हदीस में अल्लाह के नबी ने बयान की कि वमा लम तहकुम अइमतुहुम बिकिताबिल्लाह, जब मुसलमानों के जो अइमा होंगे, जो उनके इमाम होंगे, जो उनके बड़े लोग होंगे, वो कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, वो अल्लाह ताला की वही की रोशनी में फैसला नहीं करेंगे, अपनी मनमानी वो फतवे देने लगेंगे, अपने अपने बुजुर्गों की तरफ बुलाने लगेंगे, अपने अपने पीरों की तरफ बुलाने लगेंगे। इल्ला जअलल्लाहु बासहुम बैनहुम, जब ऐसे हालात आ जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों को आपस में लड़ा देगा, वो आपस में कुश्ती करने लगेंगे, वो फिरकों के नाम पर बटने लगेंगे और एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक के मुसलमान को गाली देगा। आज आप देख लें इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि साउथ इंडिया में अहले हदीस की मस्जिद बन रही थी, दूसरे मसलक के लोगों ने पुलिस प्रशासन की मदद लेकर के मस्जिद को गिरवा दिया, बुलडोज़र चलवा दिया। आज कितनी मस्जिदें हैं जहां दूसरे मसलक के लोगों ने अटैक करके ताला लगवा दिया कि नहीं साहब हमारे इलाके में अहले हदीस की मस्जिद नहीं बननी चाहिए, हमारे इलाके में फलां की मस्जिद नहीं बननी चाहिए। आज भी हिंदुस्तान की बहुत सारी मस्जिदों के बाहर बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, ये फला फला मसलक की मस्जिद है और फला फला मसलक के लोगों को इस मस्जिद में आने की परमिशन नहीं है। इतनी नफरत है, इतनी अदावत है, इतनी दूरी है। नबी अकरम फरमाते हैं जब किसी कौम के जो इमाम लोग होंगे, जो उनके बड़े लोग होंगे, वो कुरान और हदीस से हट करके जब फैसला करने लगेंगे तो यही हालात होंगे। मेरे भाइयों, नबी की हदीस मैंने पूरी आपके सामने पढ़ के सुना दी, हदीस आपके सामने है, हालात आपके सामने हैं, अब फैसला हमें और आपको करना है कि इन हालात की हम इस्लाह कैसे करें। जाहिर है कि जो बीमारियां बताई गई हैं उन बीमारियों का इलाज यही है कि हम उन बीमारियों से अपने आप को बचाएं। बेहयाई का इलाज ये है कि अपने घरों में हम शर्म हया का माहौल बनाएं। बदकारी का इलाज ये है हम निकाह को आसान बनाएं। शराब और नशे का इलाज ये है कि हम अपने नौजवानों की सही तरबियत करें। और बेनमाजी लोगों का इलाज ये है हम उनको नमाज का पाबंद बनाएं। मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना बिल्कुल सर पर है, दो चार रोज़ के बाद रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग अल्लाह ताला उनको तौफीक देता है रमज़ान में नमाज की पाबंदी शुरू करते हैं, फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ते हैं। कोशिश कीजिए रमज़ान हमारी ज़िंदगी की बेहतरीन स्टार्टिंग बन जाए। रमज़ान से हम जो नमाज की शुरुआत करें तो रमज़ान के बाद भी नमाज पढ़ते रहें। रमज़ान में सिगरेट छूट जाए तो बाकी 11 महीने भी सिगरेट को हाथ न लगाएं। रमज़ान में दारू छूट जाए तो बाकी साल के 11 महीने शराब को हाथ न लगाएं। रमज़ान में गंदे काम छोड़ दें तो बाकी 11 महीने भी गंदे कामों से दूर रहें। रमज़ान को अपनी ज़िंदगी की बेस्ट स्टार्टिंग बना लें, बेहतरीन शुरुआत बना लें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ आज के जलसे के तमाम मुंतज़मीन का, ख़ास तौर से मुनीर भाई का, जिनकी मेहनत और कोशिश से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, और मैं उनके हक़ में और उनके तमाम अहले खाना के हक़ में दुआ करता हूँ। अल्लाह उनको उनके दीन और दुनिया, उनके माल में, उनके इल्म में, उनके अमल में अल्लाह बरकत अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन इस गाँव में, इस इलाके में खैर व बरकत का नुज़ूल फ़रमाए। जितने लोग आज के इस प्रोग्राम में आए हैं, चाहे वो मर्द हज़रात हों चाहे वो ख़वातीन हों, अल्लाह ताला सबकी जायज़ मुरादें पूरी फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फ़रमाए। अल्लाह हर वबा से, हर बला से, हर वायरस से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह हमें दुनिया की हर मुसीबत से अल्लाह हमें राहत और सुकून अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह हमारे मुल्क को इस वायरस से, इस कोरोना वायरस से पाक कर दे। रब्बुल आलमीन हमारी मस्जिदों की जो रौनक पिछले रमज़ान में ख़त्म हो गई थी, अल्लाह करे कि ऐसा इस बार ना हो और रमज़ान में मस्जिदें आबाद रहें, मस्जिदें खुली रहें। अल्लाह ताला तौफीक दे कि रमज़ान पूरी
خیر و برکت کے ساتھ ہم پر نازل ہو. رب العالمین ہماری جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں ان کو قبول فرمائے. رب العالمین ہمیں حرام کمائی سے بچنے کی توفیق دے. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.